फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शारिका, आज मैं लेकर आई हूँ मीशो से ईद हॉल वीडियो आप लोगों के लिए। और बहुत ही ज़्यादा मैंने ढूंढने के बाद ये कुछ खजाना निकाला है ईद के लिए, जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इस वीडियो में। और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते और जल्दी से अपनी वीडियो स्टार्ट करते और दिखाती हूँ मैंने क्या क्या परचेज किया। तो मैं लेकर आ गई हूँ इतने सारे ईद के सूट आप सबके लिए, और मैंने अभी इन्हें ओपन करके नहीं देखा क्योंकि मैं अनबॉक्सिंग वीडियो करने चाहती थी आप लोगों के साथ। तो सारे के सारे अभी पैक है, तो चलो अभी इन्हें जल्दी से खोल लेते हैं और देखते हैं इनमें क्या क्या खजाना मिला है। मैंने यहाँ पर और भी 2-3 सूट ऑर्डर किए थे, बट पता नहीं क्यों वो कैंसिल हो गए, मुझे पता भी नहीं चला। तो मैंने सोचा 3 ही सूट मेरे पास आया, तो मैंने सोचा चलो मैं वही आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी कि काफी ज्यादा वीडियो लेट हो जाए, ताकि अगर आप कोई परचेज करना चाहते हो तो आप परचेज नहीं कर पाओ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाला मेरे पास पार्सल, जो कि बहुत ही छोटा सा है, स्मॉल सा है, जबकि मैंने सारे यहाँ पर शरारा सूट वगैरह परचेज करे थे, बट ये पार्सल बहुत ही मतलब पैकिंग बहुत छोटी थी इसकी। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या निकलने वाला है। तो ये है ब्लैक कलर का सूट, तो ये है सबसे पहला सूट और ये ब्लैक कलर में है। तो ये है ब्लैक कलर में और इसकी चुन्नी बहुत ही सुंदर है, दुपट्टा इसका इस तरीके का है, बहुत सुंदर दुपट्टा है और यहाँ पर गोटे का पूरा वर्क किया हुआ है। ब्लैक एंड ग्रे कलर में है कुछ, और जो इसका कलर कॉम्बिनेशन है ये बहुत सुंदर लग रहा है। और ये है इसका ऊपर का फ्रॉक, तो ये इस तरीके की फ्रॉक दी हुई है और यहाँ नीचे भी ऐसा गोटा पत्ती का वर्क दिया हुआ है, पूरे में यहाँ पर गोटी पत्ती का वर्क दिया हुआ। अभी मैं पहनकर यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा दूंगी ये कैसा लग रहा है। और इसके नीचे आया है यहाँ पर मेरे पास गरारा, जो कि ऐसे ये लाइनिंग दी हुई है और यहाँ पर इस तरीके का डिजाइन है, और यहाँ पर भी नीचे गोटे पत्ती का वर्क दिया हुआ है जो नीचे फ्रॉक में दिया हुआ है। तो कुछ इस तरीके का लग रहा है ये गरारा। और इसके कपड़े की बात करें तो इसका कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा कपड़ा है, क्योंकि आजकल ईद समर्स में आ रही है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है, तो उसके हिसाब से ये कपड़ा बहुत अच्छा आप इजीली पहन सकते हो। और इसका दुपट्टे का कलर बहुत अच्छा लग रहा है, और इनके प्राइस वगैरह सारे ही 1500 के अंदर है अप्रॉक्स। मैं डिटेल वगैरह सब कुछ आपको दे दूँगी और प्राइस ऊपर डाल दूँगी। और नेक्स्ट है ये पैकेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा पैकेट है, चलो इसे ओपन कर लेते हैं। पैकिंग बहुत अच्छी करी गई है, आप वापस से पहनकर इसमें ही डाल सकते हो। और ये है इसका कुछ ब्राउन कलर का सूट, ये मैंने क्या परचेज किया था, क्या मंगाया था मैं खुद भी भूल चुकी हूँ, और मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा कुछ मंगाया था। तो सबसे पहले है इसकी ये कुर्ती ऊपर की, तो यहाँ पे जॉर्जेट का कपड़ा दिया हुआ है, ब्राउन शेड में है और पूरा सीक्वेंस का काम दिया हुआ है, पूरा गोल्डन कलर का वर्क है कुछ इस तरीके का। नीचे यहाँ पर कुछ पटियाला शलवार दी हुई है, जो कि है ये ऑरेंज शेड में और वो ब्राउन शेड का है, पूरा सीक्वेंस का वर्क है इसमें भी, और यहाँ पर ऐसे राउंड राउंड कुछ डिज़ाइन दिया हुआ है, पूरा मतलब ऐसे भरा हुआ बना हुआ है इसमें डिज़ाइन। तो ये पहनने के बाद कैसा लगेगा देखते हैं, अभी तो बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे। उसके बाद ये है दुपट्टा इसका ऑरेंज शेड में, और इसमें भी पूरा यहाँ पर डिज़ाइन दिया हुआ है, बॉर्डर दिया हुआ है, यहाँ पर बीच बीच में भी कुछ डिज़ाइन दिया हुआ है बूटियाँ, और इस तरीके का दुपट्टा है, काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा सा दुपट्टा है। उसके बाद खोलते हैं अपना तीसरा प्रोडक्ट। ओ वाओ, मुझे याद नहीं था कि कौन कौन से प्रोडक्ट आए हैं और कौन से कैंसिल हो गए। तो अभी एक मैंने ये कॉटन का सूट ऑर्डर किया था, जो कि कुछ ऐसा पर्पल शेड में है, लाइट पर्पल, और ये पूरा कॉटन में है, प्योर कॉटन जो कपड़ा होता है उस तरह उसमें है। और यहाँ पर प्रिंट आप देख सकते हो, बर्ड बनी हुई है छोटी छोटी, बहुत प्यारी लग रही है, और इसका कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले इसकी कुर्ती की बात करते हैं, तो यहाँ पर डिटेलिंग दी हुई है वाइट कलर की, बर्ड वाला प्रिंट दिया हुआ है, और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है सूट का।
आई थिंक मैंने सारे स्मॉल मंगाए थे, बस इसका साइज काफी ज्यादा ये मुझे मतलब लूज लग रहा है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने दी हुई, अच्छा यहाँ पर इन्होंने ये अफगानी वाली सलवार दी हुई है, मतलब पैंट वगैरह प्लाजो आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पर इस तरीके की सलवार मिलेगी कुछ, और ये भी प्योर कॉटन में है, यहाँ पर जिगजैग वाला प्रिंट आपको मिल जाता है। उसके बाद इसके दुपट्टे की बात करें तो दुपट्टा बहुत प्यारा लग रहा है इसका, क्योंकि पूरा कॉटन में एकदम और खूब लंबा चौड़ा सा आपको दुपट्टा मिल जाता है। यहाँ पर आपको इस तरीके का लेस मिल जाती है जो कुर्ते में दी हुई है, और यहाँ पर पूरे में आपको ये बर्ड वाला प्रिंट मिल जाता है, और ये काफी अच्छा सा दुपट्टा है इसका, काफी चौड़ा सा। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर बहुत ही सिंपल से सूट ऑर्डर करे थे और कुछ थोड़े से हैवी सूट ऑर्डर करे थे, जिनको हैवी पसंद है वो उसे देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और ये कॉटन के सूट है जो कि गर्मियों में घर में पहनने के लिए ये भी काफी अच्छे हैं। तो बस यही थे मेरे 3 सूट, क्योंकि मैंने 5-6 सूट ऑर्डर किए थे जो कि अभी आए नहीं है, और कुछ आने बाकी है, जब आ जाएंगे तो मैं उनका भी आपको रिव्यू दे दूंगी और डिटेल वगैरह दे दूंगी। आपको इनमें से कौन सा अच्छा लगा, जो भी अच्छा लगा मैं कोड वगैरह आपको दे दूंगी डिटेल्स, तो आप वहां से जाके परचेज कर सकते हो। और मुझे ब्लैक वाला काफी अच्छा लगा, मैं सारे अभी पहनकर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा दूंगी कि पहनने के बाद ये कैसे लग रहे हैं। तो ये वाला सूट भी बहुत प्यारा लग रहा है, और इसका जो नीचे ये दिया हुआ है ना कि इस तरीके का राउंड दिया हुआ है नीचे का, और ये बहुत सुंदर लग रहा है, कॉटन का भी है तो मुझे तो काफी अच्छा लगा है। और ये आई थिंक 1000 रुपीज के करीब था, तो काफी ज्यादा अच्छा है ये, और आप अच्छे से स्टाइल कर लोगे तो काफी अच्छा लगेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हो। और ऐसे ही बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। बहुत ही जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।